Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salimullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lecture, we were seen about the factors affecting on quality of construction. We were seen there were 10 factors, that is damaged and low quality materials, supplier and vendor failure, subcontractor mishandling, failure to document changes, last minute changes, miscommunication between the teams, okay, then complexity of the design, lack of project management system, ignored audits and testing, scope creep, okay. These are all the factors affecting on the quality of construction we have already discussed in the last video. If you have not seen that video, you can see in the playlist of total quality management from my channel. Now, today we are going to learn about reasons of poor quality in construction. Some factors, some reasons are the same which are discussed in the last lecture, that is the factors. Okay, now let us see one by one which are the reasons of poor quality in construction. Now, these are the some reasons of the poor quality in the constructions. Let us see one by one. First is the use of low quality materials. Now listen, materials are the vital, materials play the vital role in the quality of the management, quality of the project. So, in order to build a safe and stable structure, the type of materials used should be a high quality. It should be high quality, and these types of the materials has a longer and leave no room for any defect. Okay, matlab agar particular structure ko safe and stable banana hai, to hame बहुत ऐसे टाइप्स के मटेरियल्स हमको यूज करना चाहिए जिसके अंदर क्वालिटी हाई हो. ओके, ऐसे मटेरियल्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिके सकते हैं और वहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन्फेरियर बिल्डिंग मटेरियल्स कॉज प्रॉब्लम्स सच एज लीकेजेस, कॉन्क्रीट क्रैक्स, सडन ड्रॉपिंग ऑफ सीलिंग्स एंड इन एडिक्वेटली फंक्शनिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, मतलब क्या होता है, अगर हमने लो क्वालिटी के मटेरियल्स यूटिलाइज़ किए तो कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद, जैसे कि लीकेजेस के चांसेस हो सकते हैं, कंक्रीट क्रैक्स होता है, अचानक सीलिंग्स ड्रॉपिंग होता है जैसे कि आजकल हम देखते हैं, इनएडिक्वेटली फंक्शनिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर फंक्शन करना चाहिए ऐसे होता नहीं है. अगर कोई बाजू के रोड में कोई बुलडोज़र जाता है तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग थोड़ी वाइब्रेट हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पुअर क्वालिटी के मटेरियल्स का यूटिलाइज करने की वजह से होती है. ओके, लीकिंग ड्रेनेज पाइप्स रिजल्ट इन टॉक्सिक मोड्स ऑन द बिल्डिंग्स. ड्रेनेज पाइप्स के अंदर जो भी लीकेजेस होते हैं, ये बिल्डिंग से कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं टॉक्सिक्स टाइप के, उसके वजह से होने के चांसेस होते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीज़न फॉर द पुअर क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन, दैट इज यूज़ ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल्स. नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर साइट सुपरविजन. ओके, एज अ कॉन्ट्रैक्टर इट इज़ आवर जॉब टू इंश्योर दैट एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान. एज पर द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान, कॉन्ट्रैक्टर को वो पूरा का पूरा काम करना ज़रूरी होता है. ओके, अगर उसने वो काम नहीं किया तो क्या होता है, क्वालिटी के अंदर कमजोरी आनी चांसेस होती है. एंड नॉट जस्ट रिलाई ऑन व्हाट यूर फोरमैन, मतलब ऐसे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि जो फोरमैन क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है. ओके, टेल यू ओवर द फोन, जो भी वो फ़ोन पे बात कर रहा है उसकी वजह से ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, सिर्फ उसके ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए. आपको साइट के ऊपर जाके ये सारे के सारे पैरामीटर्स चेक करने होते हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर मेक्स श्योर दैट द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड ऑन टाइम एंड दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑन टाइम उसने फिनिश करना चाहिए और वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज होना नहीं चाहिए. नाउ लैक ऑफ क्वालिटी सिस्टम अनदर रीज़न, द वर्स्ट सोर्स ऑफ द डिफेक्ट इज समटाइम्स ड्यू टू नो क्वालिटी सिस्टम गवर्निंग इन अ प्रोजेक्ट. अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी सिस्टम ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. सो द लैक ऑफ द सिस्टम कैन बूस्ट टू पॉसिबल लॉसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी सिस्टम नहीं होगी तो वहाँ पे फाइनेंशियल
लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. सो क्वालिटी सिस्टम शुड बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट, जीरो प्रोजेक्ट ऑडिटिंग. नाउ दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द क्वालिटी, मेंटेनिंग द क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन. नाउ इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन फैक्टर्स. वन मोर फैक्टर इज जीरो प्रोजेक्ट ऑडिटिंग भी था वहाँ पे. तो परफॉर्मिंग एंड ऑडिट इज व्हाट डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क. ऑडिट का परफॉर्मेंस, जो भी हम ऑडिट करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क सक्सेस है या नहीं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, बहुत सारे टाइप्स रहते हैं. जैसे कि इंक्लूड, जैसे कि क्वालिटी ऑडिट्स होना चाहिए, प्री सिलेक्शन ऑडिट होना चाहिए एंड प्रोजेक्ट इंटरनल ऑडिट्स भी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये थ्री इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑडिटिंग्स है, ये होने चाहिए एक्चुअल साइट के ऊपर. ऑडिटिंग प्रोसेसेस हेल्प मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑडिटिंग प्रोसेस क्या होती है कि डायरेक्टली जो भी परफॉर्मेंस है, वॉट एवर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इट कैन बी एनालाइजिंग बाय द ऑडिटिंग प्रोसेसेस. सो इट शुड बी इंश्योर दैट इट रिमेंस विद इन द कॉर्पोरेट प्रोसीजर स्कोप. ओके, एंड द क्वालिटी मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑडिटिंग एंड इट शुड बी डन and the quality manager should be done audit as per the ISO 9001 standards or contractual standards. Whatever the sentence mentioned in the contractor, it should happen at the site, okay, by using auditing procedure. Now next is poor quality procedures. Now this is the one of the most reason of quality, poor quality. Now for any construction project to function properly, इट इज़ रिक्वायर्ड बाई द ISO 9000 स्टैंडर्ड्स. जो भी आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप फंक्शनली आपको प्रॉपरली करना है, तो वहाँ पे आपको ISO 9001 स्टैंडर्ड्स के साथ साथ जितने भी उन्होंने गाइडलाइंस दी उसके साथ, उसके ज़रिए या उसके जैसे काम करना चाहिए. एंड दैट सर्टन प्रोसीजर बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब वो भी जो भी प्रोसीजर है, जो भी आप प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, इट शुड बी रिटन फॉर्मेट, सो दैट द वर्कर्स और द कॉन्ट्रैक्टर शुड डू द वर्क लाइक दैट प्रोसीजर. सो दीज प्रोसीजर्स प्रोवाइड अ वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट ऑल द डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉल इनटू प्लेस. तो ये सारे जो भी प्रोसीजर्स है, इससे हमें ये पता चलता है कि आपका कंस्ट्रक्शन वर्क जो है अच्छे से चल रहा है. देर इज़ अ लॉन्ग नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स, बहुत सारी ऐसी बड़ी और नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स होती है दैट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी शुड डॉक्यूमेंट. सच एज क्या रहती है, एनी कंस्ट्रक्शन वर्क शुड हैव अ प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का प्रोसीजर होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट का होना चाहिए, जो भी मटेरियल आप ला रहे हैं उसका प्रोक्योरमेंट होना, मटेरियल अप्रूवल का प्रोसीजर होना चाहिए, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल का भी यहाँ पे प्रोसीजर होना चाहिए. ओके, सो दैट वी कैन मेंटेन द क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन डिज़ाइन. दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन. कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन टेक्स द टाइम टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विथ सच डिज़ाइंस. अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आ गया तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम उसको समझने के लिए चला जाता है. ठीक है, और वो चैलेंजिंग होता है पर्टिकुलर जो कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए या उस डिज़ाइन के पास. इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द डिज़ाइन, वन में मिस आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट टाइनी डिटेल्स सच एज द बिल्डिंग सपोर्ट्स. अगर कुछ हो गया, अगर डिज़ाइन में कुछ गलती से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो गया और यहाँ पे कुछ उन्होंने पर्टिकुलर वो डिज़ाइन को समझ में नहीं आया नहीं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे बिल्डिंग का सपोर्ट अगर हमने दिया ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है. और बिल्डिंग विदाउट स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर सपोर्ट में हैव क्रैक्स, अगर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को अगर अच्छे से सपोर्ट भी नहीं किया डिज़ाइन के वजह से, डिज़ाइन समझ में ना आने की वजह से, तो वहाँ पे क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं और इट मे काउज बिल्डिंग कोलैप्स भी होने के चांसेस हो सकते हैं. सो दैट एज फार एज पॉसिबल जो भी आर्किटेक्चर है या डिज़ाइनर है, अपना जो कुछ भी डिज़ाइन है वो सिंपल बना के दे, ताकि कोई कॉम्प्लेक्स कोई वहाँ पे नेचुरल हजार्ड्स ना हो जाए या आर्टिफिशियल हजार्ड्स ना हो जाए. नेक्स्ट, लेट डिज़ाइन कंसेप्ट. नाउ दिस इज़ लेट डिज़ाइन कंसेप्ट, ये भी एक पुअर रीज़न हो सकता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. द डिज़ाइन कंसेप्ट इज़ अ स्टेज इन अ कंस्ट्रक्शन दैट इज़ वेरी क्रूशियल. डिज़ाइन का जो कुछ भी स्टेज होता है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है.
ठीक है. द डिज़ाइन कंसेप्ट हेल्प द कंसल्टेंट टीम टू कम अप विद द कॉस्ट प्लान. डिज़ाइन अगर टाइम पे आ गया तो कंसल्टेंट वहाँ पे वो प्लान कर सकता है कि कॉस्ट का प्लानिंग स्ट्रैटेजी बना सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑप्शन ले सकता है, एबिलिटी टू बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स एंड द आउटलाइन स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है अगर उसके पास डिज़ाइन टाइम पे आया तो. बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिन, स्टार्ट होने से पहले द डिज़ाइन कंसेप्ट स्टेज मस्ट बी डील्ड विथ फर्स्ट. कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले डिज़ाइन के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होती है. इट आल्सो हेल्प्स द कंसल्टेंट टीम अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. इसके वजह से कंसल्टेंट को एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होता है कि किस तरह से ये डिज़ाइन है स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चर का. नाउ नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ क्वालिटी पॉलिसीज. अब कुछ कुछ जगह पे क्वालिटी पॉलिसीज ही नहीं होती है, उसके वजह से क्या होता है पुअर रीजन, उसके वजह से क्वालिटी में बहुत सारे डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं. तो जो कुछ भी पॉलिसीज़ है या ऑब्जेक्टिव्स है उसकी जो फॉर्म्स है, ठीक है, तो पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स. ये बेसिस होता है, ठीक है. एवरी कंस्ट्रक्शन कंपनी मस्ट अबाइड बाय इट्स पॉलिसीज टू अवॉइड कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स. हर एक कंपनी को पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना ज़रूरी होता है कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए. क्वालिटी पॉलिसीज इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग एंड द वर्कर्स. क्वालिटी पॉलिसीज क्या होता है कि जो कुछ भी बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हैं या बिल्डिंग है उनकी सेफ्टी के लिए ये क्वालिटी पॉलिसीज बहुत ज़रूरी होती है. सम पॉलिसीज आर पुट इन प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द ISO 9001. और ये पॉलिसीज किस तरह से होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ISO 9001 वाइल अदर्स आर फॉर्म्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी. जो कुछ एक तो ISO 9001 होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो फॉर्म किए उस तरह से होने चाहिए. दिस पॉलिसीज विल हेल्प prevent defects and help to oversee the quality of the building. इसका वजह से क्या होता है कि जितने भी defects आने वाले होते हैं उसको prevention कर सकते हैं और building की quality अच्छे से maintain कर सकते हैं. Now next, ये भी दो reasons ऐसे हैं, ये भी हो सकते हैं कि ये quality को hamper करते हैं. सबसे पहली बात है lack of education of workers. देखो जितने भी building या project में काम करने वाले लोग होते हैं इन लोगों की वजह से ही वो पर्टिकुलर बिल्डिंग की क्वालिटी डिपेंड होती है. अगर उन वर्कर्स में एजुकेशन नहीं है उस पर्टिकुलर काम को करने का तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर काम की क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिग्रेड होती है. तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है या सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, जिसके भी लेबर्स हैं जो भी काम करने वाले हैं साइट के ऊपर, उनको वो नॉलेज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले. ओके, सो दैट वी कैन मेंटेन द क्वालिटी बाय यूजिंग द स्किल्ड लेबर, स्किल्ड वर्कर्स ऑन द साइट. ओके, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ पुअर क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर. एंड लास्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेट एस्टिमेटिंग. ये भी बहुत ही जगह पे पाया जाता है कि एक्यूरेट एस्टिमेटिंग ना होने की वजह से डिले होने के चांसेस होते हैं और पर्टिकुलर थिंग वो टाइम पे होती नहीं है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ जाता है. तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं ड्यू टू दिस रीज़न. नाउ द कंक्लूजन इज, अब कंक्लूजन क्या है, ऑल दीज सोर्सेस ऑफ डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन लीड्स क्या हो सकता है, लॉस ऑफ मटीरियल्स हो सकता है, मनी हो सकता है एंड वर्क आवर्स trying to correct the defects once they occur. तो इसके वजह से क्या होता है, अगर इनको हमने कम नहीं किया तो वहाँ पे materials का loss होने के chances होता है, money है और काम के जो कुछ भी hours है वो भी क्या होते हैं losses होने के chances होते हैं. Though it is hard to avoid defects, so थोड़ा सा इस डिफेक्ट्स को अवॉइड करना हार्ड होता है और नॉन कन्फर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन, बट वी कैन सिंपली मिनिमाइज दोज इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट द नेसेसरी रूल्स और सिस्टम दैट विल डेवलप द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इवेंचुअली प्रिवेंट द पोटेंशियल राइज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और पेज बजट. तो ये जो भी डिफेक्ट्स है उसको अवॉइड करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हमने ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ करने की सोच ली या उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर ली एक पर्टिकुलर नेसेसरी रूल्स एंड सिस्टम को अडॉप्ट करके, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्वालिटी डेवलप होने के चांसेस बहुत होते हैं एंड वहाँ पे जितने भी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है या बजट है वो ऊपर जाने से पहले क्या हो सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. पोटेंशियल राइज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और बजट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रीजंस ऑफ पुअर क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शंस. आई होप
आपको ये सारे रीजंस समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।